हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डायलिसिस। फ्रेंड्स, डायलिसिस क्या है मैं आपको बताना चाहूँगी डेफिनेशन, बट जो इसमें डेफिनेशन दी गई है उससे पहले मैं आपको एक और डेफिनेशन दिखाना चाहूँगी, पढ़ना चाहूँगी, वो है ये डेफिनेशन। फ्रेंड्स, डायलिसिस इज़ अ प्रोसीजर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूड फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनी स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। यानी कि डायलिसिस क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है कि रिमूव करना होता है वेस्ट प्रोडक्ट को और जो भी एक्सेस फ्लूड होता है फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनी का मेन काम क्या होता है, जो भी हमारा ब्लड होता है उसको प्योरीफाई करना, उसमें से वेस्ट को रिमूव करना, ब्लड में से जो भी एक्सेस फ्लूड है उसको रिमूव करना। लेकिन अगर वो फंक्शन करना स्टॉप कर देती है देन यही काम हमें डायलिसिस के थ्रू करना पड़ता है। अभी ये देखेंगे कि डायलिसिस जो भी प्रोसीजर है वो क्या है। अभी हमने जाना कि इसका डेफिनेशन क्या है, लेकिन डायलिसिस कैसे करते हैं, मतलब क्या है, ऐसा कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं जो कि किडनी का भी काम करते हैं। और इसमें बताया गया है कि ये क्या होता है, इन्वॉल्व डाइवर्टिंग ब्लड टू अ मशीन टू बी क्लीन। यानी कि इसमें ब्लड को क्लीन करने के लिए एक मशीन का यूज़ किया जाता है, मशीन का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड यही होता है डायलिसिस। देखेंगे अब डायलिसिस क्या होता है, डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया डायलिसिस का काम क्या होता है, जो भी किडनी का काम होता है वो डायलिसिस के थ्रू किया जा सकता है। लेकिन डायलिसिस से क्या होता है, ये क्या होता है, एक डिफ्यूजन प्रोसेस होती है बाय विच सॉल्यूट पास फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि आपने ये प्रोसेस तो पढ़ा होगा जो भी पहले भी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो यही काम होता है डायलिसिस का। इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम, जो भी सोल्यूट्स होते हैं वो पास होती हैं हायर कंसंट्रेशन, यानी कि जिस तरफ हायर कंसंट्रेशन रहती है, लगा सकते हैं हम वेस्ट जो भी मटीरियल होता है ब्लड के अंदर या फिर फ्लूड का, वो किधर पास होता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो भी इसमें हमारे बीच में आते हैं सेमी परमिएबल, इसके थ्रू ही ये सब प्रोसेस होती है। इसका पर्पज़ क्या होता है, लाइफ को सेव करना होता है। आपने डायलिसिस के बारे में और भी पढ़ा होगा डिटेल में कि इसका प्रोसेस जो भी पर्पज़ क्या होता है, सेव करना होता है लाइफ को। टाइप ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस कितने टाइप की होती है, डायलिसिस होती है फ्रेंड्स दो टाइप की, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। अभी पेरिटोनियल डायलिसिस क्या देखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस पेरिटोनियम वर्क लाइक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज यूज इन केसेस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। पेरिटोनियल डायलिसिस इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस पेरिटोनियम वर्क लाइक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि यहाँ पे जो भी डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, पेरिटोनियम लेयर के थ्रू होता है। पेरिटोनियम लेयर जो होती है यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ वर्क करती है। इट इज़ यूज इन केसेस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर, और ये कब यूज होता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर के केस में यूज होता है। सेकेंड आता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है, एक टेक्निक होती है ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटीरियल और पॉइजन्स फ्रॉम द ब्लड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। यानी कि हीमोडायलिसिस क्या होती है, एक टेक्निक होती है, इसी में भी हम वेस्ट को रिमूव करते हैं, जो भी वेस्ट मटीरियल होता है और जो भी पॉइजन होता है फ्रॉम द ब्लड, और इसमें हम क्या करते हैं, यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ डायलिसिस। यानी कि डायलिसिस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ये डायलिसिस करने के लिए। यहाँ पे देखिएगा आपको हीमोडायलिसिस का एक मशीन दिखाया गया, यानी कि जो भी प्रोसेस है हीमोडायलिसिस का इसमें दिखाया गया, जिसमें आपको ब्लड फ्लो टू डायलाइजर, हीमोडायलाइजर व्हेन फिल्टरिंग टेक्स प्लेस, हीमोडायलिसिस मशीन ब्लड फ्लो बैक टू द बॉडी। यानी कि इसमें प्रोसेस होता है कि जो भी पूरा ब्लड होता है वो एक बार मशीन के अंदर आता है, मशीन के थ्रू होकर जो भी वेस्ट होता है उसमें रिमूव हो जाता है, यानी कि प्योरीफाई हो जाता है, उसके बाद वो दोबारा से बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है। तो ये होता है हमारा हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन पेशेंट्स हुज किडनी हैव कॉज टू फंक्शन द प्रोसेस टेकन प्लेस इन एन आर्टिफिशियल किडनी और डायलाइजर। ड्यूरेशन होती है 4 hours पर डे, 3 times इन अ वीक। अब देखेंगे इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहती है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डायलिसिस पे पूरा लाइफ डिपेंड नहीं हो सकते, बट ये भी बहुत रेयरली होता है क्योंकि जल्दी से किडनी का जो भी है मैचिंग नहीं मिल पाता या फिर डोनेशन में नहीं मिल पाता, तो ये भी बहुत रेयरली होता है। बट ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या आएगा, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू किडनी फेलियर। तो क्योंकि किडनी फेल है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, ये तो हो ही सकता है, होगा ही। अल्टर्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू एनोरेक्सिया माल न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन है हमारा वो भी अल्टर्ड हो जाएगा। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू प्रोलोंग्ड ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। अल्टर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डर्मेटोलॉजिक चेंजेस अल्टर्ड थ्रू प्रोसेस रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव यूरेमिया। अल्टर्ड रेस्ट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या है वो पढ़ने वाले हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हमारा एक और चैनल है, अगर आप हमारे डेली लाइफ व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर।